दुनिया तो नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि भगवत तत्व को पहचानने वाली हो जाएगी। चतुर्मास में जल में इस अंश का तेज बढ़ जाता है। गीले कपड़े शरीर पर ना हो सोते समय, उसका ध्यान रखना। देखा तो दीवाल शकुर 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 दूध पी गई। सत्संग सुनने से बुद्धि का तमस रजो में आ जाता है, रजस सत्व में आ जाता है, और सात्विक बुद्धि भगवत अर्थ दा हो जाती है, भगवत प्रसाद दा हो जाती। जैसे सामान्य छोरा हीरों को और पत्थरों को एक जैसा मानेगा, वही छोरा समझदारी करेगा तो हीरे के क्वालिटी के अनुसार 100 रुपए वाला हीरा, 1000 वाला, 10000, 5000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़ वाला हीरा भी अलग से जान लेगा। क्या हुआ, हीरे तो नहीं बदलेगी, उसकी बुद्धि बदल गई। ऐसी दुनिया तो नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि भगवत तत्व को पहचानने वाली हो जाएगी, तो भगवान का साक्षात्कार होता है। दृश्य में भगवान आएंगे तो तुम्हारी मन की भावना से आएंगे, फिर अंतर्धान हो जाएंगे। लेकिन सत्संग के द्वारा भगवान के तत्व की समझ पड़ेगी तो भगवान कभी आपसे अलग नहीं हो सकते, बिछड़ नहीं सकते। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या। वास्तव में भगवान ही रहते हैं, जो ज्ञान स्वरूप है वही चेतन स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। दुख भी ज्ञान से दिखता है, सुख भी ज्ञान से दिखता है, चिंता भी ज्ञान से दिखती है। जिस ज्ञान से ये सब दिखता है वो सच्चिदानंद परमात्मा है, वो चैतन्य है, वही विभू है, वही गोविंद है, वही गोपाल है, वही राधा है, अर्थात ज्ञान की वृत्ति है, वही रमण है। उसी वृत्ति में चैतन्य रमण करता है। मेरी नेत्र वृत्ति आपके तरफ आती है, आपको देखती है, ये राधा रमण है, और थक जाएंगे तो गोविंद गोपाल हो जाएंगे। तो हजार हजार भगवान के नाम है, हर नाम का अपना अपना अर्थ है, अपनी महिमा है, अपना महत्व है। चतुर्मास के दिनों में भगवान नारायण अपने गोविंद गोपाल स्वभाव ज्ञान स्वभाव में समाहित होते हैं। क्षीर सागर में शयन करते तो चतुर्मास में जल में ईश्वरीय अंश का तेज बढ़ जाता है, इसलिए प्रातःकाल स्नान का पुण्य लाभ होता है। इन दिनों में घर में भी कोई जो भी पानी मिलता है उस पानी में जौ और तिल का थोड़ा पिसा हुआ जौ और तिल का पाउडर डालकर बिली पत्ते 2-4 डाल दिए या 1-8 डाल दिया, ओम नमः शिवाय कर जप करके लोटा पानी लेके सिर पर डाले और स्नान करे तो तीर्थों में स्नान करने का फल होता है। वायु दोष इस सीजन में रहेगा, भोजन सुपाच्य करना चाहिए। लान पर घास पर सुबह घूमने से फायदा होता है, रात्रि को जल्दी सो जाना, 2 बार स्नान इस ऋतु में फायदा करता है। गीले कपड़े शरीर पर ना हो सोते समय, उसका ध्यान रखना। रात्रि का स्नान वर्जित है, लेकिन मासिक धर्म हो या और कोई कारण सर जरूरी स्नान हो तो तुरंत करके सूखे कपड़े से पोंछ लेना। माधवदास जी महाराज दादू जी के शिष्यों में से थे, वो दादू जी के शिष्यों में से थे, और माधवदास दादू जी में भगवत बुद्धि से जल्दी उन्नत हो गए। माधवदास जी को जब भक्ति का रंग लगा तो पत्नी के शरीर की आसक्ति मिट गई, हाड़ मांस को नोच चूस के सुख लेने की बेवकूफी चली गई। भगवान की भक्ति में ऐसे लगे कि चित्त में शांति, सुख और दुख स्वप्न लगे। मन इधर उधर जाए तो ओंकार का उच्चारण करे, अथवा मन को देखे साक्षी भाव से मन शांत हो जाए, अथवा तो जगत में जो भी सतबुद्धि से दिखता था वो सब मिथ्या बुद्धि से देखे। चीज वस्तुएं बाधा नहीं देती, लेकिन वो मेरी है और मेरे उपयोग में आए और मैं उससे सुखी रहूं, ये चीज बाधा देती है, नासमझी बाधा देती है। माधवदास की नासमझी दादू जी के सत्संग से चली गई। माधवदास को हुआ कि सब वासुदेव की सत्ता है, जैसे पंखा अलग है, फ्रिज अलग है,
हीटर अलग है तो माइक अलग है, सत्ता सब में लाइट की, ऐसे ही सत्ता सब में चैतन्य की, हरि व्यापक सर्वत्र समान। सत्संग करते, यात्रा करते, किसी मंदिर में ठहरे तो बैठे थे, तो जरा धूप आए तो मुंह घुमा के बैठे, तो पुजारी ने डांटा तो कैसा साधु है, ठाकुर जी को पीठ दे रहा है, तो क्या नामदेव जी है क्या, तू जिधर को मुंह करे ठाकुर जी तेरे तरफ हो जाएंगे, ऐसा करके जोर जोर से पुजारी ने डांटा माधवदास जी को। तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए तो माधवदास ने पूछा कि नामदेव ने क्या किया था, अरे बोले नामदेव ने तो ठाकुर जी को दूध पिला दिया था, अरे बोले ठाकुर जी को दूध पिलाए तो ठाकुर जी तो सर्वत्र है, जिधर अपना दृढ़ भाव होता है उधर ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं, जल में थल में चेतन में सब में ठाकुर जी। पुजारी गुस्सा आया, अरे कटोरा भर के दूध ले आओ, भीट के तरफ मुंह करके बैठा है, सब में ठाकुर जी तो दीवार को दूध पिला के दिखाओ। माधवदास महाराज का तो ब्रह्म भाव था, और ब्रह्म भाव आए और चित्त एकाग्र हो तो संकल्प में सामर्थ्य आता है। ब्रह्म भाव के साथ एकाग्रता हो, दूध का कटोरा रखा और बोले ठाकुर जी मूर्ति में तो तुम पीते हो लेकिन इस दीवाल में भी तो तुम्हारी सत्ता है, हे अच्युत, हे गोविंद, हे गोपाल, हे केशव, अलग अलग रूपों में अलग अलग नाम है लेकिन जड़ चेतन जीव जगत सकल राम में जानी। देखा तो दीवाल शकुर 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 दूध पी गई, सबकी आंखें फटी, दीवाल ने दूध पिया, पुजारी और आसपास के लोग चरणों में गिर पड़े। अब तो उनको लोग मानने लगे, जय माधवदास जी महाराज की माधवदास का सत्संग सुनने लगे। तो उस भीड़ भाड़ में उनका ससुर तुलसी वो भी आया, बोले यही है जमाई, मेरी बेटी को छोड़ दिया, साधु बन गया, इसका बदला लेना चाहिए। और अकबर तो मेरी बात मानते हैं, राज दरबार में मेरी चलती भी है। जाकर अकबर को कहा कि एक साधु आया है माधवदास, उसका नाम रखा है उसने, और दीवाल को दूध पिलाने का ढोंग करता है, ये तो अधर्म हो जाएगा, ऐसे अधर्मियों को तो मृत्यु दंड देना चाहिए। अकबर ने बुलाया मंत्री को, क्या है, बोले हाँ माधवदास महाराज का आजकल नाम बहुत हो गया है, दीवाल को दूध पिलाया। तो ससुरा ने कहा ये सब साजिश है, ढोंग है, कुछ छेद भेद कर रखा होगा, पहले से सुनियोजित होगा, निंदक को तो सब दोष ही दिखेगा, और अपना जमाई था, बेटी छोड़ा था। तो ससुर तुलसीदास ने, संत तुलसीदास नहीं, ससुर तुलसिया राजा को भड़काया। राजा ने कहा क्या दंड दें, मृत्यु दंड देंगे तो हिंदू प्रजा संत के लिए तो नाराज होगी, बगावत पैदा हो जाएगी। तो उस हरामी ससुर तुलसी ने युक्ति दी कि शेर के पिंजरे में डाल दिया जाए, अगर वो सच्चा साधु होगा, अकबर ने सोचा तो शेर उनको खाएगा नहीं, और ऐसे ही होगा तो शेर खा लेगा, तो हम बोलेंगे क्या करें भाई शेर ने फाड़ दिया, ऐसा वैसा कुछ बहाना बना देंगे। तो शेर का जो घर बना रहता है पिंजरा बड़ा, उसमें शाम को उनको पकड़वा के डाल दिया। माधवदास ने देखा कि शेर में भी सत्ता तो तेरी है, एक मीठी नजर डाली शेर पर, गुर्राता शेर चुप हो गया, शांत बैठा रहा। रात्रि को तो शेर को भी झोंका आवे, महाराज को भी, हरि व्यापक सर्वत्र नारायण। जैसे मछलियां जल राशि में पैदा होती, जल राशि में घूमती, जल राशि में ही सोती और जगती, ऐसे सभी भगवान में जीते हैं, सभी भगवान का रूप। महाराज ने आराम किया प्रभात को, महाराज ने ध्यान में, वासुदेव सर्वमिति ओम, तो शेर एकदम घबराया,
ओमकार तो सीधा आत्मा परमात्मा का उच्चारण है। बिल्ली की नाई कोने में छुप के बैठ गया और महाराज शेर के घर में बीचों बीच ध्यान लगा के बैठे। सुबह हुआ, अकबर ने देखा, जांच किया कि देखो महाराज को शेर ने खा लिया है, तो हड्डियां बड्डियां निकाल के शेर का घर साफ कर लो, अगर नहीं खाया है तो फिर वहां के मुझे खबर करो। खबर किया तो शेर तो बिल्ली की नाई सुकड़ के बैठा है और महाराज ध्यान में। राजा बाजा और बंदर कब कहां छलांग मारे और मोड़ ले कोई पता नहीं। महाराज के पास फूल हारी है, वो सौगात लेके आए कि महाराज संतों को पहचाना हमारे जैसे लोगों के बस का नहीं है। शेर में भी आपको अपना अल्लाह दिखता है, शेर भी आपके आगे बिल्ली हो गया, हम लोगों की गलती माफ करना ये वो करके। हाँ वो ससुर हरामी तुलसी तो शर्म के मारे क्या देखे, खूब जय जयकार हुआ माधव दास महाराज का। बोले महाराज आपके गुरुदेव का नाम क्या? बोले कृपा सिंधु दादू दीन दयाल जी महाराज। अकबर ने ठान लिया कि जिनका चेला इतना समत्व योग में महापुरुष है तो गुरु कैसे होंगे। तो दादू जी को आमंत्रण दिया पधारने का, दादू ने मना कर दी। तो फिर अकबर ने देखा कि दादू जी फतेहपुर सीकरी राजस्थान में है, जानते जो जानते हाथ ऊपर करो। फतेहपुर सीकरी में दादू जी रहे 40 दिन, अकबर उनके चरणों में सत्संग सुनता है।